आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है। शायर कहता है कि कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती। अब धीरे से सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, अब इतने खामोश ना हो जाए कि मुझे खदशा हो जाए कि आप जिंदा भी हैं। नमाज जनाजा की नियत हम कर लें, है कि नहीं? हिंदुस्तान में है, आप इसका ख्याल रहे। शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए, है कि नहीं? और हमारे असातिज़े कराम बैठे हुए हैं, सीनियर असातिज़े कराम, बिल्कुल दुनिया की कोई ऐसी दारुल इफ्ता नहीं है जिसने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे पाबंदी लगा दी हो। आप बोल सकते हैं कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश रहेंगे तो एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, हम लोग आए हैं, चंद मिनट आपके दरमियान हाजिर हो गए, मेरा आना कबूल हो गया और जो कुछ भी है वो सब हलाल हो चुका। लेकिन ये शायर जो है बहुत चतुर चालाक होता है, अगर आपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के सुन लिया तो इनका जितना ताज़ा मटेरियल है वो आपके सामने रख देंगे, लेकिन अगर आपने खामोशी से सुना तो यकीन जानिए ये मंडी कल जाके कहीं दूसरी जगह ये लगा लेंगे। इसलिए मैं आपका होके बोल रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम आप दोनों मिल जाए तो गठबंधन से ये सरकार चला सकते हैं। तो कितने हजरात हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे? हाँ, इतने लोग नहीं सुनेंगे, हम बीच में आपको आजमाते भी रहेंगे। चलिए एक मरतबा दोनों हाथों को नबी के नाम पर लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, उठा के बोल दीजिए लहक के सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमदे बारी ताला के चंद शेर सुने माशाल्लाह। सदर मौसूफ, सरपरस्ते जलसा और दिगर तमाम शख्सियात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं लेने के लिए हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ता हूँ और अशफाक बहराइची का मूड बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, आय हाय। अगर आपने दाद नहीं दिया तो मैं खुद दाद दूंगा, कहूंगा वाह 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 सुभान अल्लाह, बाद में कहूंगा वाह रे मैं क्या करूंगा जब आप बोल ही नहीं रहे। सनाया उलिया, सनाया सुफला दोनों नजर आ रहा है आपका, 3 किलो की मुंडिया भी हिल रही है, 2 इंच की जबान आपसे नहीं हिल पा रही है, अभी भी कंजूसी के साथ काम ले रहे हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं, बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं, बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। हाँ ये हुआ, ऐसे बोलिएगा तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख देंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, इस्तकबाल करें। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, कि वह इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वह इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वह इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। एक बात ये बताऊं, ये शेर जो मैं सुना रहा हूं, यकीन जानिए कि हैदराबाद से जब फ्लाइट चली या समझिए लखनऊ में जब लैंडिंग कर रही थी तो कुछ शोरा ये कहते हैं कि ये शेर का नुजूल हो रहा था, लेकिन ये शेर मेरा नहीं है, नुजूल नहीं हुआ। हैरत उस वक्त होगी आपको ये जानकर कि मेरे दोस्तों इस शेर का जो खालिक है एक उम्मी अहमदाबादी करके है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं, उनकी तलफ़ की अदायगी या ये जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से कि इल्हाम, और उन्होंने ये शेर कह दिया।
मुझे याद आता है कि कारी जमशेद जौहर साहब ने कभी एक शेर कहा था बड़े सलीके से कि मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी भली है, खुल्दे बड़ी से बढ़कर आका तेरी गली है, इल्हाम है खुदा का खूबी नहीं है मेरी, लगता तो है बजाहिर जौहर की शायरी। तो अल्लाह ताला कभी किसी से काम ले लेता है। आइए थोड़ा सा ये थोड़ा सा सहारा मैंने लिया, अब आइए थोड़ा सा सहारा लीजिए मेरे दोस्तों, और जुमले पे दांत चाहता हूं। अगर वो ना आए होते तो दरिया को तुगयानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो पंज वक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो ना आए होते तो कुरान करीम का नुजूल ही न हुआ होता। कहने की इजाजत दीजिए तो कह दूं कि वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्रो फाका ने हल किए माशियात के मसाले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखाया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मैं बताता चलूं आपको कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो पैदा करने से पहले सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं जब सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी पता तो सही तेरा बतन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर लाई कहां से है, लगाई कहां से है। हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, बदन का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, राह का महकना दूर की बात, अमा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। आप देखते जाए अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया, अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया, अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया, अल्लाह ने सिन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने स्वाद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने स्वाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया, अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैल लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लयक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया, अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान, ये मेरे नबी की शान है मेरे दोस्तों। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। क्या बात, बहुत खूब मेरे दोस्तों, शुक्रिया इनायत करम नवादिश, न जाने क्या 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 आपने मेरी आबरू बचा ली। शेर देखिएगा इंशाल्लाह, इरशाद हो। अपनी जिंदगी में उतना मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, अपने शरीके हयात का नहीं लिया जितना आपका मैंने नाम लिया है। पूरी रात सिर्फ कहता हूँ इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद हो। आप वो नाम है, सुनिए, माशाल्लाह BDC है। मेरी दुआ है कि आप प्रधान बने, प्रधान से विधानसभा तक के जाने का सफर करें आप, अल्लाह करे। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो भाई, हमारा दिल पे हुकूमत करता है कि नहीं।
अब मूड बनाइए, थोड़ा सा रंगे हबीबी में रंगिए और बेबाकी को छोड़िए, थोड़ा सा शर्मिंदगी को छोड़िए और बोलिएगा माशाल्लाह। एक शेर देखे मेरे दोस्तों के, रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर। शेर सुनिएगा, ये शेर मैं ही सुना सकता हूं, मेरे अलावा अशफाक या हमारे हाँ बातिन साहब कहीं एक घड़ी के लिए गुंजाइश है। क्या बात है। हाँ, शेर देखे, रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, डेढ़ पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर डेढ़ पांव पर। तवज्जो रखिएगा इंशाल्लाह। बातिन साहब, हमारे इरशाद भाई ने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको मदीने पाक की जियारत मेरे जरिए से होगी इंशाल्लाह उमरा शरीफ की। तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बात हकीकत हो जाए और रोज़े हबीब पे जाके करीब से मैं भी शेर पढ़ लूँ। ये देखिए, एक बात मैंने देखा है कि दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मुबारक हो भाई, मुबारक। 1 करोड़पति लोगों को मैंने हज नहीं उमरा भी करते नहीं देखा और वो दुनिया से चले गए। 1 मस्जिद के मुअज्जिन को मैंने देखा है 3 मरतबा हज करते हुए। ये बात हकीकत है कि नहीं? दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है बुला लेता है, वरना दुनिया में लोग बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों। शेर पढ़ता हूं, ये मेरी तड़प है, अगर मेरी सच्चाई हो तो बताइएगा। रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर डेढ़ पांव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, अरे भागा फिरूं इधर से उधर डेढ़ पांव पर। वाह वाह वाह। अब आप बोल नहीं रहे हैं, का इंतकाल हो जाएंगे तब बोलिएगा आप लोग क्या? अरे थोड़ा बोलिए लहके एक मरतबा सुभान अल्लाह, अगर सुनना चाहते हैं तो, वरना मैं आया हूं चंद लुक में खाया हूं, मेरा लिफाफा जायज हो चुका है, मैं जा सकता हूं। मैं इसलिए हाई पावर का इंजेक्शन अशफाक को भी लगा रहा हूं और अपने चचा हुजूर को भी लगा रहा हूं ताकि ये अच्छी शायरी से आपकी खिदमत करे। उनके बाद इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई को देखिएगा, 10-15 मिनट जब अब्दुल्ला भाई बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की इतने कसीदे गा दिए लेकिन कहां दम है। लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्लाहु अकबर, कयामत बहुत करीब है, शायर इनाम दे रहा है, कोई भरोसा नहीं रास्ते में ले ले, लेकिन अल्लाह इनको हिदायत दे, माशा सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह। खैर मेरे दोस्तों, अशफाक बहराइची साहब अच्छे शायर हैं। हाँ माशाल्लाह, पीछे से आ रहा है। अरे अरे तो आप आओ ना, ये तो क्रेडिट ये ले रहा है भाई, मैं तो खुश हो गया भाई, हमें माशाल्लाह यही तो मैं देख रहा हूँ कि अशफाक तो खैर बहरे कब दे दिया करता है। हो सकता है अनाउंसर है घुस में भी दे रहा हो, है कि नहीं, लेकिन यहाँ चलेगा नहीं। हाँ खैर बहरे के, रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर डेढ़ पांव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर डेढ़ पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, अरे है मेरी जान, नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर डेढ़ पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता मदीने है। में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तू मरा होता तो क्या होता, अरे अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता।